बिसमिल्ल रन रिम रबी जिदनी वेलकम टू स्टिचेस टाइम टुडे आई ब्रॉट द टॉपिक वन लेस वन मोर मैं आपको ये तीन मुख्तलफ मेथडोलोजीज से समझाऊंगी टाइम बग़ैर देर किए हम स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर यहाँ मेरे पास मौजूद है नंबर चार्ट फ्रॉम वन टिल हंड्रेड अभी हम वन डिल हंड्रेड में टेन मोर टेन लेस वन मोर वन लेस पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले जो मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ वो नंबर चार्ट के ज़रिए से यूज़ कर रही हूँ इसमें हम ये करेंगे कि जो नंबर हमने सेलेक्ट करना है सपोज़ अगर आपके पास क्वेश्चन है और उसमें से हमारे पास आप कोई भी नंबर है उसको इस चार्ट में हम सबसे पहले ढूंढेंगे अच्छा सबसे पहले मैं क्वेश्चन रेडी कर लूँ तो हम अपना क्वेश्चन इस पेपर पे लिखते हैं या आप पहले से रेडी रखें और आप कोई बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं मैं इस वक्त एक चार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन लिख रही हूँ मैंने नंबर सेलेक्ट किया है फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्सटी ओके मुझे मालूम करना है इसमें वन लेस वन मोर मैंने ये बॉक्स वन लेस एंड वन मोर के लिए बनाए हैं, और लेफ़्ट राइट -right पे मैं टेन लेस और टेन मोर के लिए वर्क करूँगी ठीक है अब देखते हैं इसको चार्ट पे कैसे तलाश कर सकते हैं हम तो चार्ट में देखें कहाँ पे सिक्सटी मौजूद है यहाँ से हमने वंस देखा नीचे के टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी सिक्सटी सिक्सटी पर हमने एक यूनिट एक होल पेपर बना के मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है वो रख दिया अच्छा अब सिक्सटी को हमने क्या कर दिया हाईलाइट कर दिया अब इस सिक्सटी नंबर से हम सबसे पहले वन लेस मालूम करेंगे वन लेस के लिए हमें वन नंबर बैकवर्ड जाना है बैकवर्ड काउंटिंग ठीक है सिर्फ वन बॉक्स बैकवर्ड तो हमें क्या नज़र आया यहाँ सिक्सटी से पर पैर क्या होता है वन लेस करेंगे तो बैकवर्ड जाएंगे वन बॉक्स तो हमें मिला फिफ्टी नाइन ठीक है वन लेस और ये है वन मोर फिफ्टी नाइन हमें वन लेस. 60 वन लेस इज़ फिफ्टी नाइन

हम लिख देंगे यहाँ सिक्सटी वन इट्स वेरी ईजी हम वापस अपने सिक्सटी नंबर की तरफ आएंगे और हमने इसे वापस हाईलाइट कर दिया अब हमने सॉल्व क्या करना है अब हमारे पास लेफ्ट राइट बॉक्स हैं जिसमें टेन लेस और टेन मोर हैं अब हमें टेन लेस के लिए क्या करना है हमें बैकवर्ड टेन बॉक्स काउंट करने हैं तो लेट्स स्टार्ट विद मी मेरे साथ शुरू करें यहाँ से बैकवर्ड ठीक है क्या करेंगे हम इसकी बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेंथ बॉक्स पे क्या मिला है हमें फिफ्टी तो टेन लेस इज़ फिफ्टी सिक्सटी टेन लेस इज़ फिफ्टी हम वापस सिक्सटी की तरफ मूव करेंगे क्योंकि अब हमें मालूम करना है टेन मोर टेन मोर के लिए जब भी मोर आता है हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन पे हमारा बॉक्स कौन सा आ रहा है Yes, सेवेंटी तो हम सेवेंटी पे क्या है हमें मालूम हुआ सिक्सटी मोर टेन इज़ सेवेंटी इस सेकेंड मेथड में मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स रेडी करके रखी हैं वो यूज़ करूँगी इसमें करना ये होता है कि हमारे पास एक स्ट्रिप पे टेन डॉट होते हैं एक स्ट्रिप इक्वल टू वन टेन है तो सिक्स यहाँ पे सिक्सटी है तो मैंने सिक्स स्ट्रिप्स ले लिए हैं सिक्स टेन्स मीन सिक्सटी अब अगर मुझे टेन लेस करने हैं तो मैं वन इसमें से रिमूव कर दूँगी आई लेस वन हाउ मैनी लेफ़्ट फाइव टेंस फाइव टेंस मीन्स फिफ्टी द आंसर इज़ फिफ्टी मूव टू दिक्सटी अब अगर मुझे टेन मोर करनी है तो आई विल एड वन टेन मोर ना हाउ मैनी टेंस आर दियर सेवन टेन्स सेवन टेन मीन्स सेवनटी रेली इट्स वेरी ईजी एंड फास्ट वे अच्छा परेशान न हो हम इसको दोबारा से नंबर चार्ट से एक और एग्जाम्पल करेंगे और फिर दोबारा हम इसको इस टें से करेंगे सॉल्व टेंस की स्ट्रिप्स और यूनिट से एक और क्वेश्चन मैं लिखती हूँ यहाँ पे और अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले नंबर चार्ट यूज़ करेंगे अच्छा तो हमारे पास अब नया नंबर है ट्वेंटी थ्री हमने ट्वेंटी थ्री में वन लेस वन मोर टेन लेस टेन मोर मालूम करने हैं चलें सबसे पहले हम मालूम करेंगे वन लेस तो ट्वेंटी थ्री को सबसे पहले चार्ट में ढूंढना है ना? ये देखिए चार्ट में ट्वेंटी थ्री कहाँ मौजूद है ये रहा अब हमने ट्वेंटी थ्री को हाईलाइट कर दिया एक स्क्वेयर रिंग में रख दिया अब क्या करेंगे हम अब हमने वन लेस मालूम करना है तो हम बैकवर्ड बॉक्स की तरफ बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ेंगे वन बॉक्स बैक जाएंगे, वन बैक्स बॉक्स बैक तो हमें मिल जाएगा वन लेस तो देखें ट्वेंटी थ्री से वन बॉक्स बैक जा रही हूँ मैं देखिएगा ये हमने वन बॉक्स बैक किया तो नंबर देखें क्या आया है ट्वेंटी टू येस यू आर राइट आपने तो फौरन पहचान लिया अब हम इसी को वापस अपने क्वेश्चन पे ट्वेंटी थ्री पे रख देंगे और अब हम वन बॉक्स फॉरवर्ड जाएंगे तो हमें क्या नज़र आया ट्वेंटी फोर कर आंसर मूव बैक टू द क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री अब हमारे पास है जी अब हम क्या करेंगे अब हम टेन लेस करेंगे मूव बैक क्विकली मूव बैक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन दोबारा करते हैं बॉक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऑन द टेंथ बैक बैकवर्ड द आंसर इज टर्टीन वेरी गुड मूव बैक ऑन द क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री येस नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड अब हमने मोर करने हैं तो काउंट करते जाएं करते जाएं। टेंथ बॉक्स में हमने स्टॉप किया और हमारे पास आया यस थर्टी थ्री ठीक है अब इजी है ये लेकिन अगर चार्ट ना हो तो हम इसको अपने टेंस और यूनिट्स की स्ट्रिप्स से भी कर सकते हैं कितने टेंस हैं ये ट्वेंटी थ्री में टू टेंस हैं तो हमने टू टेंस रख दिए और थ्री यूनिट्स रख देंगे हम वन टू तो ये हमारे पास आ गया ट्वेंटी थ्री अब हमने क्या करना है टू ट्वेंटी थ्री में से वन लेस करना है one less, सिर्फ one. One means unit. One. तो हमने यूनिट निकाल लिया हमने टेंस को बिल्कुल नहीं छेड़ा तो, ये क्या, तो क्या ये क्या हो गया ट्वेंटी टू अब हमने वन मोर करना है ट्वेंटी थ्री में तो हमने क्या ऐड करना है हमने सिर्फ यूनिट्स ऐड करने हैं क्योंकि यूनिट्स में चेंज आ ये क्या हो गया ट्वेंटी फोर ठीक है बट अब हम क्या करेंगे अब हमने टेन लेस और टेन मोर करने मीन्स अब हमने यूनिट्स को नहीं छेड़ना अब हमने टें से काम करना है तो हमारे पास ट्वेंटी थ्री में अगर हमने वन टेन लेस कर दिया तो बाकी कितना बचा वन टेन थ्री मीन्स थर्टीन और अगर हम इसी ट्वेंटी थ्री में वन टेन इसमें हम यूनिट्स को नहीं छेड़ेंगे फिर दोबारा हम वन टेन एड करेंगे तो ट्वेंटी थ्री में जब हमने वन टेन एड किया तो थ्री टेंस थ्री टेंस एंड थ्री मीन्स थर्टी थ्री आर यू हैप्पी ना डिड यू अंडरस्टैंड अच्छा तो हम अगर मैं एक और चीज़ आपको समझा दूँ अगर आपको ये नंबर चार्ट से समझ नहीं आ रहा टें यूनिट्स के कंसेप्ट से नहीं आ रहा तो हमारा एक पुराना मैथड होता है और वो है हमारी टेन फिंगर्स येस यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ टेन फिंगर्स टेन मोर टेन लेस इवन वन लेस वन मोर इसके लिए हम अपने हाथ की फिंगर्स को यूज़ करेंगे ठीक है आपने क्या करना है पहला को हमने ये सिक्सटी है सिक्सटी में हमने क्या करना है लुक एट हियर हमने सिक्सटी में वन लेस करना है वन फिंगर खोलें और सिक्सटी से बैक काउंटिंग पढ़ें सिक्सटी से पीछे वन टाइम बैक तो वो आता है फिफ्टी नाइन बस और अगर कंफर्म करें चार्ट में, तो भी फिफ्टी नाइन है यही चीज़ अगर हम सिक्सटी में वन मोर ऐड करें तो क्या होगा सिक्सटी के बाद वन मोर काउंट करें तो सिक्सटी वन अब हम इसी को चेक करते हैं टेन मोर और टेन लेस से तो हम कैसे करेंगे यहाँ देखें हमारे पास टेन फिंगर्स हैं तो हम पहले इन टेन फिंगर्स को बैकवर्ड काउंट करेंगे टेन फिंगर्स सिक्सटी से काउंट करना शुरू कर दें फिफ्टी नाइन यस फिफ्टी एट फिफ्टी सेवन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फाइव फिफ्टी फ़ोर फिफ्टी थ्री फिफ्टी टू 51 50 yes you are right the answer is 50 now 10 more more means now we will not count backward we will count forward 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 yes the answer is 70 same we will we can do with 23 okay now for 23 we will take out just two fingers सॉरी वन फिंगर फॉर ट्वेंटी थ्री वी विल टेक आउट जस्ट वन फिंगर एंड व्हाट वी विल डू हमने क्या करना है ट्वेंटी थ्री में वन लेस करना है तो हम सिर्फ वन फिंगर तक बैकवर्ड पढ़ेंगे और इसी तरीके से ट्वेंटी टू आंसर आ जाएगा और ट्वेंटी थ्री में वन फॉरवर्ड पढ़ेंगे तो ट्वेंटी आ जाएगा अब 10 लेस और 10 फॉरवर्ड की बारी है 23 में हम 10 लेस कर रहे हैं 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 22 14 एंड एंड थर्टीन वेरी गुड द आंसर इज थर्टीन अब इसी तरह फॉरवर्ड भी काउंट कर लें ट्वेंटी थ्री के बाद ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री आंसर इज थर्टी थ्री जी आपको समझ नहीं आया तो इसको दोबारा देखें और सेम ऐसे ही अपनी फिंगर्स पे प्रैक्टिस करें या फिर नंबर चार्ट पे प्रैक्टिस करें आपको बहुत आसानी होगी एक और नई वीडियो बनाने तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपके बच्चों को समझ आई हो या आपको समझ आई हो या आपको टीचिंग में बस आसानी हुई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें शेयर करें सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू